प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकेडमिया अम्बाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ अच्छा दोस्त। पर बच्चों, अच्छा दोस्त की कहानी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अच्छा और दोस्त, इनमें आने वाले आधे व्यंजन को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। चलिए बच्चों, सीखते हैं। संयुक्त अक्षर समान वर्णों के मेल से बने संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का अर्थ है आपस में जुड़े हुए। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ब जमा आधा च जमा च जमा आ बच्चा। इसमें हमने देखा कि दो व्यंजन आधा च और पूरा च आपस में जुड़कर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। म जमा आधा क जमा आ मक्का। इसमें आधा क जमा पूरा क जुड़कर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। इसी प्रकार पक्का प जमा आधा क जमा आ पक्का। यह तो हुए समान वर्णों के मेल से बनने वाले संयुक्त अक्षर। अब हम देखेंगे कुछ असमान वर्णों के मेल से बनने वाले संयुक्त अक्षर। अ जमा आधा च जमा छ जमा आ अच्छा। इसमें हमने देखा दो व्यंजन आधा च और पूरा छ यह जुड़ रहे हैं और बन रहा है शब्द अच्छा। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। र जमा आधा क जमा त रक्त। भ जमा आधा क जमा त भक्त। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत आ जाए वह अक्षर में आधा लिखा जाता है। चलिए बच्चों, अब आपने सीख लिया समान वर्णों के मेल से बनने वाले संयुक्त अक्षरों को और असमान वर्णों के मेल से बनने वाले संयुक्त अक्षरों को। अब हम पढ़ेंगे कहानी अच्छा दोस्त। बबलू, जो कि एक बहुत प्यारा बच्चा है, बबलू के घर के सामने एक बगीचा था। बगीचे में आम का एक पेड़ था। पेड़ पर कई गिलहरियां रहती थी। मुझे गिलहरियां बहुत अच्छी लगती हैं। आपको भी बहुत पसंद होंगी। बहुत प्यारी होती हैं गिलहरियां। बबलू उन गिलहरियों को देखकर बहुत खुश होता था। वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। गिल्लू गिलहरी तो उसकी दोस्त बन गई थी। बबलू की दोस्त कौन बन गई थी? गिल्लू गिलहरी। गिल्लू को मूंगफली बहुत पसंद थी। बबलू रोज पेड़ के आसपास कुछ मूंगफलियां बिखेर देता था। गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। गिल्लू बबलू के बिल्कुल पास आ जाती थी। क्योंकि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो वह पास पास बैठकर मूंगफली का आनंद लेते थे। वह दोनों हाथों में मूंगफली उठाकर कुतर कुतर कर खाती। गिल्लू जब छोटी छोटी भोली आंखों से बबलू को देखती तो उसे हंसी आ जाती। एक दिन बरसात का मौसम था।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बबलू बगीचे में बैठा पेड़ पर लगे आमों को देख रहा था। वह उदास था। गिल्लू ने देखा तो पास आकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? बबलू बोला, ये आम मुझे खाने हैं, पर मेरा हाथ इन तक पहुंचता ही नहीं। गिल्लू बोली, कोई बात नहीं, मैं आम तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गई। उसने आम की डंडी कुतुर कुतुर कर एक आम नीचे गिरा दिया। बबलू बड़ा खुश हुआ। वह नीचे से बोला, एक आम माँ के लिए भी तोड़ कर दो। तो आगे क्या हुआ होगा सोचो। बबलू ने तो सिर्फ एक आम मांगा था। तो गिल्लू क्या बोली? अच्छा रुको, गिल्लू बोली, और वह ऊपर की डाल पर चढ़ गई। उसने 1, 2, 3, 4 आम और गिरा दिए। बबलू ने झटपट आम बटोरे। तुम मेरी प्यारी दोस्त हो, कहते हुए बबलू घर को भाग गया। देखा इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है। तो ये हुए ना अच्छे दोस्त। इसीलिए इस कहानी का नाम है अच्छा दोस्त। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इस कहानी में आने वाले कुछ संयुक्त अक्षरों पर आपने ध्यान दिया होगा। बच्चों एक बार आप फिर से इस कहानी को पढ़ेंगे और इसमें आने वाले संयुक्त अक्षरों को बार बार लिखकर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।